आज आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ ब्लैक कंपाउंड, जिस प्लेटिनियम ब्लैक कंपाउंड, जिसमें एक लीटर में 20 लीटर पानी जाता है, टोटल 19 पानी और एक लीटर। ये अभी मैंने लिया है 100 ml कंपाउंड और एक लीटर 900 पानी डाल के आप लोगों को दिखाऊंगा। ये देखिए पानी डाल रहा हूँ अभी। ये पानी जो है, पानी की TDS जो होनी चाहिए 100 से 150, 200। ये देखिए पानी की TDS कितना है, 244 हो रही है। आपको अभी बना के दिखा रहा हूँ मैं। ये देखिए ये पानी 1 लीटर 900 पानी है। ये देखिए सर, ये देखिए 900 में 100 ml और 1 लीटर 900 पानी आप लोगों को दिखा रहा हूँ। इसमें कास्टिक डालनी पड़ती है, ये ऐसी शक्ल हो जाएगी, माल बहुत शानदार बैठेगा। ये हीटिंग प्रोसेस है, कूलिंग प्रोसेस नहीं है। इंडिया वाले जितने भी बनाते हैं हीटिंग मतलब कूलिंग प्रोसेस बनाते हैं, हीटिंग प्रोसेस हमारे यहाँ बनाता है। और जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ अगर बनाते भी हैं वो अपने लिए बनाते हैं, कंपाउंड वो लोग नहीं देते हैं। ये बन चुका है, ये देखिए ऐसी ये शक्ल हो गई है। 100 ml में 1 लीटर 900 डाला है, और उसके बाद जो कास्टिक डालनी पड़ती है, ये कास्टिक ऐसी आप लोगों को ख़रीदनी पड़ेगी। ये देखिए ये कास्टिक है, इसकी शक्ल कास्टिक ऐसी होती है। ये देखिए ये देखिए, ये इसको हाथ नहीं लगाना है, कास्टिक इसको कास्टिक बोलते हैं। ये देखिए इसको हाथ नहीं लगाना रहता है। ये एक अगर आप 5 किलो लाओगे तो 5 किलो पानी में डाल के रखोगे, उसको ठंडा होने के बाद ही आप वो लोगों को ये करना है, आपको हाथ नहीं लगाना है। अगर ये खुले में रखोगे तो ये पानी पानी हो जाएगा। ये पूरा पैक करके रखना है, और ये ऐसी बाल्टी होनी चाहिए, ऐसी ऐसी ये ऐसी ऐसी बाल्टी, ऐसा जो है ड्रम होना चाहिए, ये ढक्कन वाला। इसमें पानी मतलब जैसे 5 किलो ये कास्टिक लिया और 5 किलो पानी, इसमें बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है, हाथ लगाने से मतलब उंगली जल जाएगी। तो आप लोगों को सतर्क रहना है, अगर बिजनेस करना है तो केमिस्ट बनना पड़ेगा। तो ये जो है मैं आपको अभी कास्टिक मैंने निकाल के रखी है, ये वाली इसी, ये देखो ये ठंडी ठंडा हो गया है, पहले गर्म होता है, उसी टाइम यूज़ नहीं करना है। तो 2-4 घंटे 5 घंटे 10 घंटे छोड़ना है, ऐसा हो गया है अभी आपको। ये देखिए थोड़ा थोड़ा डाल के देखना है, ये देखिए ये देखो थोड़ा काला हो गया, और काला और करना है तो और करना है। ये देखिए थोड़ा और डालना है, ये और डालना है। एक मतलब पूरा जैसे 200 लीटर बनाते हो तो 100 मतलब 1 लीटर निकाल के उसमें यूज़ करके देख लो, फिर आपको लगेगा कि कैसे ब्लैक फिनाइल बनते हैं। कास्टिक डालने से माल बहुत अच्छा बनेगा। ये देखिए काला बन गया है। अगर ये इसको बर 1 घंटा छोड़ दीजिए, अगर आपका मतलब ब्राउन हो जाएगा 1 घंटे बाद, तो थोड़ा सा कास्टिक ये वाला वापस डालेंगे तो काला हो जाएगा। फिर इसके बाद जो है हम ऐसी बाटलें भरते हैं। ये देखिए अगर आप लोगों के पास बाटल ऐसी मिल रही है, ये एक लीटर की बाटल है और ये आधे लीटर की बाटल है, ऐसी बाटलें आप लोगों को मिल रही है तो ठीक है, नहीं तो हम ब्लैक फिनाइल की बाटल हम देते हैं। ये अम्बर कलर की होती है, बहुत हैवी है, आपको दूर से कांच की लगेगी, ये बहुत हैवी वज़न में बहुत हैवी है। ये 1 लीटर है हमारी, और ये है 450, और आपको 5 लीटर भरना है तो ये ऐसी बाटल लेनी पड़ेगी, 5 लीटर में ऐसी बाटल लेनी पड़ेगी। तो 450 ml 1 लीटर 5 लीटर। अब देखिए फिर वापस ब्राउन हो गया थोड़ा, अब वापस ये 1-2 बूंद खाएगा। ये देखिए ये देखिए थोड़ा वापस डाल दिया, ये काला हो गया। आपको अगर काम करना है कमाना है तो आपको अपनी होशियारी से करना पड़ेगा। ये जब भी आप ब्लैक फिनाइल बनाएंगे आप 1 घंटा छोड़ दीजिए ब्राउन हो जाए, तो वापस कास्टिक थोड़ी डाल के सेटिंग करके आपको ऐसी बाटलों में डालना है। और अब आपको मैं इसकी वाइडनेस दिखा रहा हूँ। हमारा जो प्रोसेस है, हीटिंग प्रोसेस है, पूरी इंडिया वाले कोई भी नहीं बनाता, बनाते हैं तो अपने लिए बनाते हैं और ख़ुद के लिए बनाते हैं और फिनाइल बना के बेचते हैं। ये वाइट पन दिखा रहा हूँ पोछा लगाने के टाइम पे, ये इसकी वाइटनेस देखिए, ये वाइटनेस
और दूसरा इंडिया में जो है कोल्ड प्रोसेस जो बनाते हैं वो ब्लैक फिनाइल नहीं रहती है, ब्लैक फिनाइल दिखती है, होती नहीं है। तो आप लोगों को इसके अलावा, ब्लैक फिनाइल के अलावा, हमारे पास टॉयलेट क्लीनर कंपाउंड, डिश वाश का कंपाउंड, हैंड वाश का कंपाउंड, फिनाइल इसका, फिनाइल का कंपाउंड जो परफ्यूम वाले पर है 32% है, ग्लास क्लीनर का कंपाउंड मिल जाएगा, हैंड वाश का मिल जाएगा, डिश वाश का मिल जाएगा। ये देखिए हमारे पास ये साबुन मिल जाएगा खादी का, और डिटर्जेंट लिक्विड लूज में मिल जाएगा, बाथरूम क्लीनर का कंपाउंड मिल जाएगा, लाइजोल टाइप जो डिसइंफेक्टेंट है उसका मिल जाएगा। ये देखिए हर चीज़, और नेफ्थलीन बाल हम बनाते हैं, ये वाले नेफ्थलीन बाल भी मिल जाएगा। तो ये जो है हमारे पास हर चीज़ मिल जाएगी, जो जो आपको चाहिए हम आपको दे सकते हैं। ये हमारी फैक्ट्री है, बाहर की दिखा रहा हूँ। ये हमारा ब्रांड है, खुद का हाइको है, ये माल बाहर रखा हुआ है, जा रहा है माल। ये हमारी एक फैक्ट्री पहली, ये देखिए दूसरी जो है आगे बढ़ रहा हूँ। दूसरी फैक्ट्री हमारी ये है, ये देखिए ये हाइको ब्रांड है हमारा, ये देखिए। ये हमारा माल बन रहा है हाइको ब्रांड का, देखिए। ये देखिए टॉयलेट क्लीनर बन रहा है, ये ब्लैक फिनाइल हम इसमें बनाते हैं, ये ड्रम होता है, आपको मशीन लेने की ज़रूरत नहीं है। ब्लैक फिनाइल का काम करना हो तो इसमें कंपाउंड डाल के, पानी डाल के, ये ऐसे, ये देखो बाटल भरा रही है।